चलो भाई नया चैप्टर शुरू करते हैं। रेशो प्रोपोर्शन, अनुपात समान अनुपात, नाम तो सुना होगा, आसान सा चैप्टर है, चीज़ें आसान आसान है। इसके बाद एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, एजेस भी एक चैप्टर है, रीजनिंग में भी आता है। यहाँ भी देखो, ये रेशो दे रखा, जैसे ए रेशो बी है, बी रेशो सी है, ए रेशो सी पूछ लिया। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, फिर यही मान के तुम्हें कुछ नहीं आता है, और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं आता है मानना भी, सपोज करा तो सपोज भी ठीक ही कर लिया मैंने। एक बात देखना, रेशियो प्रोपोर्शन में है क्या, इसने लिखा ए ए रेशियो बी है 4:5, बी रेशियो सी है 6:7। अब मान लो ये इनका वेट है, वजन है, ये आदमी है, ए बी सी क्या है, आदमी है, और इनका वजन है, ये ए का 4 किलो है तो बी का कितना वजन है, बी का 6 है तो सी का कितना है, पर ये आदमी तो एक ही है, ये बी और ये बी क्या है, तो इसका वजन भी एक जैसा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, जब एक आदमी है तो एक जैसा वजन होना चाहिए। तो 5 और 6 को क्या कर दो, इक्वल करते आए ना बार बार, इक्वल करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम। 5 और 6 का एलसीएम कितना आया, 30। 30 करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी इसको कितने से, ये भी, तो 24:30, और ये आया 30:30। अब देखो हुआ क्या, जब ए का वजन 24 है तो बी का कितना है, 30 है, सही है, और जब बी का 30 है तो सी का कितना है, तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं कि ए का जब वजन 24 है तो बी का कितना है, और जब बी का 30 है तो सी का कितना है, आपसे क्या पूछा गया, 24:, सही है, कोई डाउट है, सिंपल चीज है। अच्छा देखो, इस चीज को ऐसे भी लिख लेते हैं, किसी को डाउट है ना पूछ लेना, बिल्कुल फिर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, फोन को छोड़ दो, कर लो रिसीव, फिर पीछे जा कर लो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम से आया करो, और इतनी पेन कॉपी कहाँ है, थिएटर में आया है, मूवी देखेगा या मैं मुजरा करूँगा, मजे लेने आया है, कहाँ है पेन कॉपी, तो ले गया, खड़ा हो। अब ऐसे ही पढ़ेंगे ना एक क्वेश्चन, मैं एक तुम, पहले मैं इस मूड में था कि जल्दी ख़त्म करवाऊँ, सारे मैं ही करा दूँ, फिर बच्चे बोले सर हम बैठ के देखते रहते हैं, सोल्व करने का मौका नहीं मिलता। आप ऐसे लिखना, 4:5 एज टू बी और 6:7, ऐसे लिख लेना। इसके नीचे ये बी के नीचे क्या लिख दिया मैंने, बी 4 किससे मल्टीप्लाई करो, 5 की इससे करो और 5 की इससे करो, जो एरो लगा रहा हूं ध्यान से, 4 की 6 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 24, 5 की 6 से और 5 की 7 से ए रेशो बी रेशो सी आ गया। समझ में आया मैंने क्या करा, 4 की 5 से, 5 की 6 से और 5 की 7 से, ये रेशो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग कर दो। करो फटाफट, आसान सा है, ज़्यादा बड़ी क्लास लेंगे, 8, 10, 12 क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको ख़त्म कर दूंगा। ए रेशो बी 2:3, बी सी, वैसे ये करो पहले, सेकंड नंबर थर्ड में करा दूंगा, सेकंड करो, सेम क्वेश्चन करना है ना,
सेकंड करो, सेकंड ये सेम कर लो, तीसरा मैं करा दूंगा फिर तुम कर लेना। या तो दरवाजा बंद कर लो या इसको बंद कर लो। वाह आसान था। मैंने क्या कहा, पैसे लिख लेना। ए रेशो बी कितना है, 5:9। बी रेशो सी कितना है, इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई और इसके इससे, 25:45:2। सी रेशियो ए पूछा, आप पेपर में इन चीज़ों का याद रखना बस। सी 54 है, ए कितना है, ये आया था। ठीक है, अब आते हैं तीन वाले पर। देखो हम तीन वाला भी ऐसे ही करते रहेंगे। ए रेशियो बी कितना है, 2:2। बी रेशियो सी कितना है, 4:2। ठीक है, पहले ऐसे ही लिख रहा, पहले दो का ले लेता हूँ मैं। इसके इससे और इसके इससे मल्टीप्लाई, 8, 12, तीन का रेशो आ गया। अब ये लास्ट वाला क्या आया है, सी, तो सी के नीचे सी वाला रख दो, 2:2, कितना भी चले जाओ ऐसे। अब इसके इससे करोगे, इसके इससे करोगे, इसके इससे करोगे और 16, 12, 18 और किसका पूछा, एडी का, बारह दुनी ये, बारह दुनी 24 था भाई, तो एडी आ गया 16:2। निकाल दोगे, सही है। अरे टाइम से आ करो, फिर निकल गया पहले दो क्वेश्चन, अब तुम्हें रेशो निकालना नहीं आएगा। हो जाएगा अगला तुम्हारे लिए, मैंने रूल बना लिया, एक मेरा एक तुम्हारा। अठारह सत्तर, 9, 35, 18, 70। ठीक है, आसान है, आसान है। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या है, देखो भाई आपने लिखा ए का है 1 और 2, ए और बी है, बी और सी कितना है। अच्छा एक चीज़ को याद रखना, यहाँ पर अगर ये ऐसे लिख देता, इसको ऐसे लिख लेता, C:B है 5:3, तो आपको B के नीचे B लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये ए बी सी हो गया, A की इससे 3, 6 और अब C आ गया, C के नीचे C लिखा, 18, 36, 60, 70, ए बी सी और डी, ए और डी पूछा गया आपसे, सही है, सिंप्लीफाई 9:35 आ जाए। देखो क्वेश्चन, 700 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 700 मीटर की दौड़ में ए बी को हरा देता है 100 मीटर से, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को हरा देता है 50 मीटर से। इसने, चलो इससे ही कर दे, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ करी डिजिट में, बी सी को हरा देता है 50 मीटर से। इसने पूछा 420 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराई, क्वेश्चन समझ में आया। चलो देखो,
एक देख लो, अगला तुम कर लेना। ए जब 700 मीटर भागेगा तो बी कितना भागेगा? 100 मीटर से हराने का मतलब तो यही हुआ कि वो 100 मीटर कम भाग पा रहा है। बी जब 500 भागेगा तो सी कितना भागेगा? यहाँ तक तो कोई डाउट है? क्लियर है? रेशियो निकाल लेता हूँ। इसका रेशियो आया 7:2 और इसका आया, फिर वही बात आ गई है। ये बी क्या है इनमें? कॉमन है तो बी को तो सेम हो जाना चाहिए। यहाँ नीचे रखा, कर दो मल्टीप्लाई, 70, 60, ये आ गया। ए जब 70 भागता है तो बी 60 भागता है और सी 45। अरे 54 ही था ये, थोड़ा अलग स्टाइल में लिख दिया था। ठीक है, कितना भगाना है? रेस कितने मीटर की है? तो 420 भगाना। जब ए 420 भागेगा कितना गुना इसका? 6 गुना। तो पूछा सी को, तो सी भी 6 गुना भागेगा, 300 कितने मीटर से हार गया? 76। मेरे को तो सिर दर्द चल रहा 2 दिन से, तेरे को तो परमानेंट लग रहा। मेरे को 96 मीटर से हार गया। क्वेश्चन समझ में आया? आ रहा नहीं आ रहा है? सिंपल सी चीज़ें हैं, रेशो दे रखा था, रेशो ही निकाल लिया, रेस करवा दी, जितने मीटर की पूछी थी उतने मीटर की करा दी। सही है? अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अच्छा, जो ऑनलाइन देखता है ना वो भी भाई ऐसा ही कर लिया करो, एक मैं कराता हूँ और जब दूसरा टाइम आपको मिले आप सोल्व करा करो साथ साथ, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। कर दो, आसान सा है, मजा आ रहा होगा आज तो करने में। दो सौ दस ऐसा ही होता है, जब अच्छे चैप्टर पहले पढ़ लेते हो उनमें खूब दम लगा तुम्हारा, अब तुम्हें इसमें दम लगाने में दिक्कत नहीं आ रही है। मैं सीआई दोबारा पढ़ा दूंगा एक बार और, सीआई एसआई जो सभी चैप्टर तुम्हें चाहिएगा। हुआ हुआ भी पीछे जो लेट आए थे लास्ट वाले दो, नहीं हो रहा भाई? क्लास के टाइम से 10 मिनट पहले आया करो, 10 मिनट यहाँ आके बैठ जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। 10 मिनट लेट आए तो गुम हो जाता है बेसिक्स। ए बी को 800 मीटर की दौड़ में 200 मीटर से हराता है। जब ये 800 भागेगा तो ये 200 मीटर से हराएगा तो 600 भागेगा। ठीक है, बी सी को 400 मीटर में 100 से हराता है, बी 400 भागेगा तो सी कितना भागेगा? सिंपल सी चीज़ आ गई है। तो इनका रेशियो आया 8:2 और 4:2, निकाल लो ए बी सी रेशियो, 32, 24, 18 और कट रहा है, 16, 12 और कितने मीटर की है? 30 गुना सी का है, 200 कितने हार गया? यही आया था। ठीक है, आसान है। चलो अगला, ये क्वेश्चन आते हैं, एक बैग में कॉइन्स हैं इतने रुपए के, समझ लेना।
एक बार दिमाग में घुस गया तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बैग है जिसमें कुछ सिक्के हैं। सिक्के कैसे हैं? 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। इनकी रेशो दे दी 10:20:40 और टोटल अमाउंट बैग में दिया कितने रुपए है? 20 टाइप का कॉइन पूछा है। देखो ये 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, इनका रेशियो दिया है। अगर ये 10 सिक्के हैं तो ये 20 सिक्के हैं और ये कितने हैं? यहाँ तक समझ में आया भाई? इसने कहा अगर बैग में 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 50 पैसे कितने हैं और 25 पैसे के? ये रेशियो है सिक्कों का। ये किसका रेशियो है? कॉइन्स का रेशियो भाई। ये बोलो टोटल अमाउंट कहा उसने बैग में, टोटल जो रुपए है वो बैग में कितने हैं? तो हर टाइप के सिक्के बताने कितने हैं। मैं मान लेता हूँ इतने ही सिक्के हैं, जितने दे रखे हैं उतने ही। तो बताओ 1-1 रुपए के 10 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, 25 पैसे के 40 सिक्के हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? मैंने जितनी रेशो दी उतने मान लिया, आप भी हमेशा ऐसा ही करना, जितनी दे हो उतने, और उनको रुपए में बदल देना। मैंने रुपए में क्यों बदले? क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है? रुपए। तो रुपए में दिया तो रुपए में बदलेंगे हम। तो अगर ये इतने ही सिक्के होते भाई, 50 पैसे के 20 सिक्के से 10 रुपए बनेंगे। पच्चीस पैसे के 40 से 10 रुपए बनेंगे। मैं रात को सो नहीं रहा, सिर दर्द बहुत ज़्यादा तेज था, मैं तो आ ही नहीं रहा था। मैंने बताया ना, मैंने सोचा काफ़ी गैप हो गया, ले लेता हूँ क्लास। टोटल कितने रुपए बने? 30 रुपए। रुपए बनाने कितने हैं? कितने गुना है? क्या पूछा गया है? कॉइन्स सिक्के। सिक्के तो ये थे ना भाई, ये कितने हो गए? ये 10 कॉइन्स को ही करना, रुपीस को मत कर देना। हम कॉइन्स निकालने, कॉइन्स यही थे ना जो मान के चले। अगर पैसा 30 गुना करना है तो सिक्के भी क्या करने पड़ेंगे? आ गया आंसर? कोई डाउट है? तो अगला क्वेश्चन आपके लिए सेम करो। सही करना चाहिए, 1 मिनट ज़्यादा लेना, पर एक नंबर लेके आना। चलो करवाता हूँ मैं। मैंने कहा जो दे रखा भाई, मान लो 1 रुपए के थे भाई, फिर 50 पैसे के सिक्के थे और थे 25 पैसे के। रेशियो क्या थी? 5:9:10
मैंने मान लिया इतने ही सिक्के हैं। पांच सिक्के अगर एक एक रुपए के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? पांच। ये कितने रुपए बनेंगे? साढ़े चार। ये आर रुपए का साइन लगा रहा हूँ। और ये कितने बनेंगे? सम कितना आया? दस पंद्रह पॉइंट इतने रुपए बने। 1008, इसका कितना गुना है? 64 गुना है। ये तो तुम्हें निकालना पड़ेगा पेपर में, ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेंगी। देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, पिछले वाला था बिल्कुल आसान तो आंसर आ गया, और जैसे ही थोड़ी कैलकुलेशन हुई तुमसे आंसर नहीं निकला। कॉन्सेप्ट तो वही था और पेपर में ऐसा देगा भाई। तो 64 गुना है तो सिक्के पूछे तो ये हो जाएगा ना 64 गुना। पच्चीस चौक सौ, 150 और 10 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? देखो अगर मेरे पास आकर भी किसी को मैथ नहीं आया ना तो मैं मानता हूँ फिर तो बहुत गड़बड़ मामला है। तुम जिस एंगल से कहोगे, एक्स से, शॉर्टकट से, उससे, सब समझा दूँगा। डाउट पूछ तो डाउट बता देते हैं, फिर अब तुम्हारी मेहनत पर रह गया सारा मामला। बाकी आज तक मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ नहीं किसी बच्चे ने कोशिश करी और उसको मैथ नहीं आया हो, चाहे एडवांस या अर्थमेटिक, कोशिश करनी पड़ेगी। पर अगले में थोड़ा चेंज करते हैं, तो सिक्के ही पर इस बार क्या दे दिया, रेशियोज ऑफ देयर वैल्यूज। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाता हूँ। देखो इस बार टोटल नंबर्स क्या दिए, कॉइन्स। वैल्यूज का मतलब ये होता है अगर बैग में 10 रुपए एक एक के सिक्के से बन रहे हैं तो 30 रुपए 50 पैसे के सिक्के से बन रहे हैं और 80 रुपए 25 पैसे के सिक्के से बन रहे हैं। वैल्यूज का मतलब समझे, एक एक रुपए के सिक्के 10 रुपए बना रहे हैं बैग के अंदर, 50 पैसे के सिक्के 30 रुपए बना रहे हैं बैग के अंदर और 25 पैसे के सिक्के 80 रुपए बना रहे हैं। कुछ सिक्के होंगे जब मैंने एक एक के काउंट करे तो कितने रुपए बने, 10। जब मैंने 50 पैसे काउंट करे तो कितने बने, और 25 पैसे करे तो 80। वैल्यूज का मतलब ये उतने रुपए बना रहे हैं। और टोटल कॉइन दे दिया आपको, क्या दे दिया इस बार, पिछले वालों में क्या देता था, रुपए। पिछले वालों में रुपए देता था, इस बार कॉइन। तो इसको किस में चेंज कर दो, ये रुपए दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं आपको, रुपए। अब इनको चेंज करना है किसमें, क्योंकि हमें कॉइन्स दे रखे हैं। चलो 10 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिएंगे, 30 रुपए बनाने के लिए, 80 के लिए, टोटल आ गया 300। बात समझ में आया भाई, सिक्के दे दिए तो सिक्के में ही चेंज कर दिया हमने कॉइन्स में, और वहां कॉइन्स दिए उसने कितने, कितना गुना है, तो 25 पैसे के पूछे। अच्छा 25 पैसे के कॉइन पूछे, कॉइन तो ये थे ना, पेपर में याद रख लेना इन चीजों को ध्यान से। ऊपर वाला तो वैल्यू है, अगर वैल्यू पूछता तो उसको कर देते, और कॉइन पूछा तो वो पूछता 25 पैसे से कितने रुपए बने बैग में, तो आप कहते भाई 80 गुना 2 160 रुपए। उसने पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप कहते भाई 320 गुना 2 600। सही है? अगला तुम्हारा, समझ में आ रहा है ना? ये मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका नहीं है, सिंपलेस्ट वे है।
तो ये हमारे ऑफिस से ही 5 रुपये लेके आया, ऊपर भी नहीं गया भाई। सही आदमी बोले, फ्री में पढ़ना, फ्री के डाउट लेने, हमारा ही पेन कॉपी यूज़ करना, हमारा ही पेन यूज़ करना, एसी में बैठना। पिछले जन्म में बड़ा कर्ज रहा होगा तुम्हारा मेरे पर, जो उतारूंगा। आया भाई, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, हो गया आसान है। अच्छा, आएंगे पेपर में तुम्हारे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आते, पक्का आएंगे, ऐसे ही आएंगे। और देखो, 378 सिक्के हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, वैल्यूज है वैल्यूज। तो ये रुपए दे दिए, इससे कितने रुपए बन रहे हैं, 13, इनका रेशियो था 11, यानी ये 13 रुपए हैं, ये 11 रुपए हैं, और ये कितने रुपए हैं, मैंने मान लिया इतने ही हैं, तो सिक्के कितने बनेंगे, ये और ये टोटल कितने बन गए, ये बन गए कॉइन्स। लेके कितने आने हैं, कितने गुना है, क्या पूछा है, कॉइन्स पूछे ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलो अगला, इनकम एक्सपेंडिचर का, एक इनकम एक्सपेंडिचर परसेंटेज में भी आएगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ भी है। देखो मैं तो पढ़ाता हूँ ऐसे, मेरे को जो जहाँ सूटेबल लगता है, कि जिसकी रेलिवेंसी जहाँ पर बन रही है, जहाँ फ्लो में तुम चल पाओ। ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है, महीने के एंड में 500 रुपये बचाते हैं दोनों, उसके 500 और उसके 500। तो इसने कहा इनकी एनुअल इनकम का सम, क्वेश्चन समझ लो क्या, ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3, महीने के एंड में रुपए कितने बचाए हर एक, किसी ने, उसने भी 500 और उसने भी, तो ये पूछा गया इनके इनकम का सम। पहले बताता हूँ शॉर्टकट, आपको पेपर में क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, यहाँ इनकम और यहाँ एक्सपेंडिचर, ए और बी, इनकम है 3:2, एक्सपेंडिचर है 5:, इन दोनों का गैप देखो कितना है, 1, इन दोनों का गैप, इस गैप से इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इस गैप से इनकी कर दो, 6:4, 5:, 1 यूनिट की वैल्यू आई 500, सम ऑफ देयर एनुअल इनकम्स, एनुअल पूछा, 10 यूनिट महीने की आई, साल की कितनी हो जाएंगी, 120, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये आ गया आंसर। अब मैंने ये क्या करा, इसको समझाता हूँ, पेपर में आपको इतने से ही करना है शॉर्टकट से। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या है, पहले मैं एक्स से समझाता हूँ और फिर आते हैं इस पर। देखो ए और बी हैं, इनकम का रेशियो 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:2, ऐसा था ना, तो मैंने मान लिया इनकम है 3x और 2x। डिटेल समझा रहा हूँ पहले, फिर शॉर्टकट पर। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो तो क्या आएगी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनकम में से सेविंग माइनस करो क्या आएगा, बात तो सही है, फिर सुनो रहा तू आदित्य, तू और मोड में चला जाता किसी में। चलो इनकम है 3x, सेविंग कितनी है, 500 रुपये बचाता था, दूसरे की इनकम है 2x, सेविंग कितनी है, और रेशियो आना चाहिए 5:2, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है।
मैंने ये यहाँ क्यों नहीं लिखा? इसमें से इसका रेशो माइनस नहीं करोगे ना तुम, डिजिट माइनस होती है, इनकम माइनस सेविंग का रेशियो बनाना ही, तो ये रेशियो ये है। आप 3x-5 नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3x में से माइनस फाइव करोगे तो ये तो डिजिट नहीं है, रेशियो है। सही है, वैल्यू माइनस होगी, इतने में से इतना हटाया तो रेशियो क्या बना? क्रॉस मल्टीप्लाई 9x वज्र गुना माइनस 10x, ये इधर चला जाएगा और ये x की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक है, फिर पिछले में कम क्यों आ रही थी? दो यूनिट, हाँ ठीक है, चलो देख लेंगे। एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो आप लिखोगे 3x+2x=2, और एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 5000 आ गया, और 12 महीने की पूछी तो 60000 आ गया। अच्छा ठीक है, वो डबल हो गया था ना, यहाँ से 6 और 4 था, यहाँ से भी मेरा इतना ही आ रहा था 60000, और यहाँ से भी कितना आया, 5000 आ गई महीने की, और 12 महीने की कितनी आएगी, आंसर आ गया। सही है, अब देखो मैंने शॉर्टकट में करा क्या, यहाँ समझना। मैंने लिखा इनकम है 3 और 2, एक्सपेंडिचर है 5 और 3, और दोनों की सेविंग बराबर है। वो शॉर्टकट तभी अप्लीकेबल होगा जब सेविंग क्या होंगी, मैंने हमेशा कहा हर शॉर्टकट के पीछे एक लिमिटेशन लगी होगी, ये तभी अप्लीकेबल है जब ऐसा होगा। ऐसा कोई शॉर्टकट बना ही नहीं जो हमेशा हो, बेसिक सीख लोगे तो हमेशा आएगा काम। तो मैं देख रहा हूं दोनों की बराबर सेविंग है तो यूनिट भी बराबर आनी चाहिए। इसकी इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 5, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है ना। इनकम 2 एक्सपेंडिचर, इनका गैप देखो और इनका गैप, जब आप इनके गैप से इनको रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट इक्वल बना देगा। ये करके देखो ये कितना हुआ, और 5, और देखो 6 रुपये कमाता है 5 खर्च करता है कितना बचा, 4 कमाता है 3 खर्च करता है कितना बचा, और सेविंग तो बराबर ही है ना दोनों की, उसकी भी 500 और उसकी भी। कभी भी ऐसे इनके गैप से क्रॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल ला देगा रेशियो को ये, और हमें इक्वल ही लेके आना था। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500, 10 यूनिट की वैल्यू 50000, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। पर ये कब अप्लीकेबल है, जब सेविंग क्या हो, सेम। अगर सेविंग अलग अलग होगी तो ये शॉर्टकट अप्लीकेबल नहीं होगा, और ये हमेशा अप्लीकेबल होगा ये वाली लाइन। ठीक है, अगला तुम करो, लास्ट क्वेश्चन आज का। हो गया, एनुअल पूछ ले, मंथली पूछ ले, इनकम का डिफरेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आ जाएगा ना। लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लेना। सही है, हुआ भी आ गया कितना, 7200।
देखो भाई, मैंने कहा जब इनकी सेविंग सेम हो तो ये शॉर्टकट अप्लीकेबल है, अगर सेविंग सेम नहीं होंगी तो ये शॉर्टकट नहीं लगेगा। इनकम है 6:2, एक्सपेंडिचर है 7:2, दोनों की सेविंग सेम है, कितनी है 1500 रुपये, इनका गैप कितना है और इनका 2 से इसकी मल्टीप्लाई और 1 से 12 और 14, 7 और 12 कमाता 7 खर्च करता है, सेविंग कितने की हुई और यहाँ भी 5 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू, ये कितनी यूनिट आई, 26 दिया, 1 महीने की है, एनुअल पूछी तो कितने से मल्टीप्लाई और कितना आ गया ये, ये 12 7 84 और 96 और आ गया, हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन तो मैं बहुत बहुत सारे लेके आया था, पर बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास से, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।